तो अभी हम देखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। तो हमने जैसे कि जो डिवीजन एल्गोरिदम है, हमने अभी तक सिर्फ रियल नंबर्स इंटीजर्स के लिए देखे थे, बट अब यहाँ पे जो भी डिवीजन एल्गोरिदम है वो पॉलिनोमियल्स के लिए। तो आपको याद होगा डिवीजन एल्गोरिदम अगर हमने रियल नंबर्स के लिए देखा था तो क्या था, ये हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर, और बी भी एक नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब इसमें से बी हम मान रहे हैं नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हमने देखा था कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, देयर एग्जिस्ट, अगर ए हमारे पास है और बी हमारे पास है तो देयर एग्जिस्ट क्यू, यूनिक क्यू एंड यूनिक आर सच दैट वी कैन एक्सप्रेस ए एज ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। और हमने देखा था आर इज़ लेस देन, आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन बी, आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी, तो ये हमने देखा था। तो सिमिलरली यहाँ पे अभी जो हमारा डिविजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल के लिए, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, बट यहाँ पे हमारे जो रियल नंबर्स थे वो यहाँ रियल नंबर्स नहीं है, यहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, और इन दोनों को डिवाइड करने पे हमें मिला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, एक यूनिक क्या है, यूनिक पेयर, कौन कौन से, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स मिला, सच दैट वी कैन एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स एज जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। और आर पे जैसे कंडीशन थी, यहाँ पे भी कंडीशन होगी, या तो आर ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा आइदर, है ना, अगर कंप्लीटली डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर इज जीरो, तो आर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमें इस तरफ से वेव प्रूफ करना है। अगर आपको याद होगा ये ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हमने कैसे प्रूफ किया था, सिमिलर प्रूफ है जैसा हमने रियल इंटीजर्स के लिए जो हमने प्रूफ्स किए थे, सेम वहाँ पे भी प्रूफ करेंगे। वहाँ पे हमने कुछ सेट लिया था, कंसीडर द सेट ए माइनस बी क्यू, हमने एक सेट कंसीडर किया था, उसी तरह यहाँ पे भी हम सेट कंसीडर करेंगे और हमारा प्रोसीजर आगे करेंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट है, तो ये भी जो चीज़ चल रही है सब फील्ड के लिए चल रही है। लेट हमारे पास एक फील्ड है एफ, उसमें f हमारे पास फील्ड है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद हुज कोफिशिएंट्स आर टेकन फ्रॉम दिस फील्ड। एक f ऑफ x और g ऑफ x हमने एक दो पॉलिनोमियल्स ले लिए इस f ऑफ x में से, और a n, a n इज नॉट इक्वल टू जीरो है और b m इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ये दोनों टर्म नॉन जीरो है, तो मतलब इसकी जो डिग्री आ जाएगी वो x टू द पावर n आ जाएगी और इसकी डिग्री आ जाएगी x टू द पावर n, मतलब सेम डिग्री की है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट, सॉरी यहाँ पे x टू द पावर m होगा, तो इसकी डिग्री होगी m और इसकी डिग्री m, तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि वहाँ पे एक एग्जिस्ट होगा यूनिक पेयर पॉलिनोमियल एग्जिस्ट होगा q ऑफ x और r ऑफ x बिलोंग्स, जो करेगा f ऑफ x से बिलोंग करेगा, सच दैट हम इसको ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा f ऑफ x क्या होता है। तो हमारा जो f ऑफ x है वो हो जाएगा हमारा f ऑफ x पॉलिनोमियल है, क्या दिया है, a नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए डॉट 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 ए एन टू डी पावर एक्स टू पावर एन, जी ऑफ एक्स है हमारा b नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस डॉट 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 बी एम टू डी पावर एक्स टू डी पावर एम, ठीक है। जिस तरह हमने उस प्रूफ के लिए सेट कंसिडर किया था, तो यहाँ पे भी हम कंसिडर करेंगे सेट, एक सेट कंसिडर करेंगे। तो कंसिडर द सेट, एक सेट कंसिडर करेंगे, वो सेट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जैसे कि वहाँ पे हमने देखा था कि एक सेट कंसिडर किया था b माइनस ए क्यू करके किया था, तो यहाँ पे भी हम करेंगे कंसिडर करेंगे एक सेट f ऑफ x माइनस g ऑफ x इंटू h ऑफ x, एक सेट कंसिडर किया, और ये हमें पता है f ऑफ x कहाँ से लिया गया, g ऑफ x पता है हमें कहाँ से लिया गया, यहाँ से लिया गया, f ऑफ x में से लिया गया, तो h ऑफ x भी वहीं से लिया जाएगा, ठीक है। एक सेट कंसिडर किया हमने, ये सेट कंसिडर किया, अब केस क्या हम लेंगे, या तो इस सेट में जीरो आएगा या तो नहीं आएगा, है ना, हो सकता है इस सेट में जीरो आ सकता है या तो नहीं आ सकता, तो केस वन, केस वन, सपोज जीरो बिलोंग्स टू एस, मान लो कि, मान लेते हैं कि जीरो इस सेट में आता है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एस, हमारा सेट एस क्या है, एक सेट है जो इस पैटर्न में दिखेगा, तो जीरो भी है तो वो भी इस पैटर्न में दिखेगा, इस पैटर्न में दिखेगा मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स फिक्स है, जी ऑफ एक्स फिक्स है, मतलब वहाँ पे कोई तो भी एच ऑफ एक्स एग्जिस्ट होगा, उसको मैं क्यू ऑफ एक्स से बोलूँगा। सपोज बाय द डेफिनेशन ऑफ एस देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे कोई तो भी एक फंक्शन एग्जिस्ट होगा, जैसे एस ऑफ एक्स था तो मैं उसे क्यू ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, सम एफ बिलोंग करेगा एफ ऑफ एक्स में से, सच दैट हमारा हर एक एलिमेंट इस पैटर्न में दिखेगा, तो जीरो भी इस पैटर्न में दिखेगा, इस पैटर्न में दिखेगा मतलब वहाँ पे एक एच ऑफ एक्स एग्जिस्ट है, उसको मैंने क्यू ऑफ एक्स बोला है, तो जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, यहाँ से एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये इधर चला गया, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स,
इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, वेयर आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो आप देख सकते हैं हमें जो प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, हमें ये प्रूफ करना था, और जहाँ पे आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। हमने अभी तक एक पार्ट प्रूफ किया, यहाँ पे दो पार्ट प्रूफ करने थे, अभी तक एक पार्ट प्रूफ हो गया, तो आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इस पैटर्न में दिख गया, और वहाँ पे हमने बोल दिया आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। अभी थ्योरम इज ट्रू, ये थ्योरम अभी ट्रू होगा इस केस के लिए। अभी हम केस सेकंड लेंगे जिसके अंदर जीरो नहीं आता है। तो कंसिडर अ केस सेकंड, केस सेकंड हमें प्रूफ करना था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है। अभी केस सेकंड, मान लीजिए जीरो सेट में नहीं आता, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है, जीरो सेट में नहीं आता। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने जो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के लिए भी हमने एक सेट लिया था, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के लिए सेट लिया था, जिसके अंदर एक सेट हमने जो लिया था जो इस पैटर्न में दिखता है, इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, इसमें से हर आर ऑफ एक्स से डिनोट किया था हमने इस सेट को, और इसके अंदर एक सबसे छोटा एलिमेंट लिया था बाय वेल ऑर्डर प्रिंसिपल। हर सेट में एक छोटा एलिमेंट होता है, वेल ऑर्डर प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक सेट में सबसे छोटा एलिमेंट होगा, बट इसके अंदर वेल ऑर्डर प्रिंसिपल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलीनोमियल है और ये रियल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे वेल ऑर्डर प्रिंसिपल हमने बोला था सबसे छोटा एक नंबर एग्जिस्ट होगा, उसी तरह इस सेट में भी जो हमारे पास सेट है एस जो कि इस पैटर्न में दिख रहा है, इसके अंदर भी सबसे छोटा डिग्री वाला एक पॉलीनोमियल होगा, सबसे छोटा डिग्री वाला पॉलीनोमियल होगा, और उसको मैं बोल रहा हूँ आर ऑफ एक्स। तो लेट आर ऑफ एक्स क्या है, हम वो डिफाइन कर देते हैं, लेट आर ऑफ एक्स बी एक पॉलीनोमियल होगा, कहाँ से होगा, बी ए पॉलीनोमियल इन एस, एस के अंदर होगा, और उसकी डिग्री सबसे क्या होगी, हैविंग स्मॉलेस्ट डिग्री, सबसे छोटी डिग्री होगी अमोंग ऑल द पॉलीनोमियल्स, इसके अंदर जितने पॉलीनोमियल्स होंगे सारे पॉलीनोमियल्स से सबसे छोटी सेट सबसे डिग्री उसी की होगी, ऑल द पॉलीनोमियल्स इसके अंदर जितने भी पॉलीनोमियल्स होंगे पॉलीनोमियल्स इन एस, ठीक है। अब क्या हम बोल रहे हैं, आर ऑफ एक्स एक पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री सारे पॉलीनोमियल्स के अंदर, बहुत सारे पॉलीनोमियल्स हैं, सबसे डिग्री उसकी छोटी है आर ऑफ एक्स की, तो आर ऑफ एक्स बिलोंग करता है एस में, ऐसा हमने अज्यूम किया, और उसकी डिग्री सबसे छोटी है, तो आर ऑफ एक्स इस सेट में आता है, मतलब आर ऑफ एक्स इस सेट में आता है, तो एवरी मेंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज दिस फॉर्म, हम हर एक मेंबर को इस पैटर्न में लिख सकते हैं, तो आर ऑफ एक्स के लिए भी एक कोई तो भी एच ऑफ एक्स एग्जिस्ट होगा, उसको मैं क्यू ऑफ एक्स भी बोलूंगा, तो आर ऑफ एक्स कैन बी रिप्लेस रिटर्न एज एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है। अभी हो गया, अभी हमें क्या शो करना है, एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया था उस टाइम पे, हमने क्या प्रूफ किया था कि इसकी जो डिग्री है वो ये जो है आर ऑफ एक्स इज जीरो, और आइदर केस था हमारा आइदर आर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, और केस था डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, और डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, एम है, हमने देखा है। तो हमें अभी प्रूफ क्या करना है इस केस में कि जो आर ऑफ एक्स की डिग्री है वो छोटी है डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, तो अभी हमें प्रूफ करना है, नाउ वी शो डैट, द डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन एम, स्ट्रिक्टली लेस देन एम, और एम हमारा क्या था, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, हमने देखा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है जी ऑफ एक्स, हमें बोला बी एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी एम इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या, इसकी डिग्री क्या हो गई, एम हो गई, तो इसकी डिग्री से छोटा होना चाहिए। अभी हमें ये प्रूफ करना है, तो इसे करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम लोग क्या कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे, सपोज डैट कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करें, मान लेते कि डिग्री जो आर ऑफ एक्स की है, जो डिग्री आर ऑफ एक्स की है वो बड़ी है और इक्वल है एम के बराबर, ये अज्यूम कर रहे हैं। अभी हमें कॉन्ट्रडिक्शन लाना है, कॉन्ट्रडिक्शन हमें कहाँ मिलेगा कि हम क्या करेंगे, इस सेट के अंदर जो एस सेट है इसके अंदर सबसे छोटा जो पॉलीनोमियल है, सबसे छोटी डिग्री वाली पॉलीनोमियल है वो है आर ऑफ एक्स, सबसे छोटी डिग्री है इसकी हमें, और उसकी डिग्री हमें ये प्रूफ करना है कि छोटा होगा एम से, मतलब डिग्री ऑफ जी से। तो हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा एक पॉलीनोमियल ढूंढेंगे इसके अंदर, सच डैट उसकी डिग्री इससे भी छोटी है, तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा। हम बोल रहे हैं आर ऑफ एक्स सबसे छोटा डिग्री है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, और एक पॉलीनोमियल ढूंढ रहे हैं इसके अंदर, हम बोल रहे हैं वो उससे भी छोटी है, मतलब हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। तो उस कॉन्ट्रडिक्शन के फैक्ट से हम ये प्रूफ कर सकते हैं, तो हमें वहाँ कॉन्ट्रडिक्शन लाना है। तो हमें क्या करना है कि एक पॉलीनोमियल इसके अंदर ढूंढना है, ठीक है। तो मैं एक मान रहा हूँ
कंसिडर करते हैं आर ऑफ एक्स, तो हमारा आर ऑफ एक्स जो है उसको मान लेते पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल किस पैटर्न में लिखता है, इस पैटर्न में लिखिएगा सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 सी टी टू डी पावर एक्स टू डी पावर टी। और हमें टी हमने अज्यूम क्या किया है कि जो डिग्री है, और हाँ सी टी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और जीरो जीरो नहीं है तो उसकी डिग्री क्या हो गई, टी हो गई। और टी की हमें क्या प्रूफ करना, हमें गिवन क्या है, टी इज स्ट्रिक्टली टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, हमें ये पता है, ठीक है। एंड हमें दो कंडीशन पता है, ये आर ऑफ एक्स हो गया, हमें क्या करना है एक दूसरा आर डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है सच दैट उसकी डिग्री इससे भी छोटी आनी चाहिए, तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा। और कॉन्ट्रडिक्शन के फैक्ट से हम बोल सकते हैं कि टी जो है वो लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन एम होगा, तो हमें ये प्रूफ करना है। चलिए तो एक आर डैश ऑफ एक्स हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक, पॉलिनोमियल है वो, हमारा पॉलिनोमियल होगा आर ऑफ एक्स माइनस सी टी अपॉन बी एम एक्स टू द पावर टी माइनस एम जी ऑफ एक्स। ये इसमें याद रखने वाला पॉइंट है, इसके अंदर आपको अगर आगे जाना है तो ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने आर डैश ऑफ एक्स अज्यूम किया, एक पॉलिनोमियल अज्यूम किया जो इस पैटर्न में है, ठीक है। अभी हमें क्या बताना है, ये आर डैश ऑफ एक्स कहाँ आना चाहिए, इस एस में आना चाहिए, और क्या दिखाना है, इसकी डिग्री इससे भी छोटी होनी चाहिए, तो कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आर डैश ऑफ एक्स है हमारे पास, आर ऑफ एक्स पता है, डाल दीजिए आर ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे, आर डैश ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स क्या है, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 सी टी एक्स टू द पावर टी। और हाँ, ये लिखने की गारंटी क्या है, हम और डिविजन कर रहे हैं बी एम, और बी एम हमें पता है बी एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, सी टी हो गया माइनस सी टी अपॉन बी एम एक्स टू द पावर टी माइनस एम जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स पता है क्या है हमारा, बी नॉट है प्लस बी वन एक्स प्लस डॉट 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 बी एम एक्स टू द पावर एम, ठीक है, ये हो गया। बस इसको है ना मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म से, तो हमें मिल जाएगा आर डैश ऑफ एक्स, तो हमारा जो आर डैश ऑफ एक्स हो जाएगा सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस डॉट 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 सी टी एक्स टू द पावर टी प्लस माइनस साइन था सी टी अपॉन बी एम एक्स टू द पावर टी माइनस एम इन टू बी नॉट, तो बी नॉट यहाँ ले लेते हैं, प्लस सी टी, ये मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, नहीं सॉरी माइनस माइनस ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो सी टी अपॉन बी एम इन टू बी वन एक्स टू द पावर टी माइनस एम माइनस वन प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म हमारा बचेगा सी टी, देखिए बी एम कैंसिल हो जाएगा तो बस सी टी बचेगा, और एक्स की पावर बच जाएगी एक्स टू द पावर टी माइनस एम प्लस एम दैट इज टी, ठीक है। अभी आर डैश ऑफ एक्स देखिए, ये टर्म और माइनस साइन है, ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डेफिनेटली आर डैश ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो छोटी होगी टी से, छोटी होगी टी से, और टी किसकी डिग्री थी, आर की डिग्री थी, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ आर डैश ऑफ एक्स, आर डैश ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, आर डैश ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री क्या है, लेस देन टी है, ऑफ डिग्री लेस देन टी, ठीक है। अब डिग्री ऑफ आर डैश ऑफ एक्स इज लेस देन टी, टी किसका था डिग्री, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स की डिग्री थी, ठीक है। हमने क्या किया, एक दूसरा पॉलिनोमियल ढूंढा जिसकी डिग्री आर ऑफ एक्स से छोटी है, बस हमें दिखाना आर ऑफ एक्स उस सेट में आता है, उस सेट में आ गया आर ऑफ डैश, आर डैश ऑफ एक्स उस सेट में आ गया, उस सेट में आ गया मतलब क्या, उसकी डिग्री आर ऑफ एक्स से भी छोटी है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। हमने अज्यूम क्या कहा था, आर ऑफ जो डिग्री आर ऑफ एक्स की है वो सबसे छोटी डिग्री है, तो कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा। हमारा गलत कहाँ हो रहा था, क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था, ये गलत अज्यूम किया था, तो हम फिर प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आ गया पॉइंट, अभी बस हमें क्या दिखाना है, आर डैश ऑफ एक्स को उसमें दिखाना, अभी हमारा जो क्लेम होगा हमें दिखाना है आर डैश ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, दिखाना है एस में, दिखाना उस सेट में आना चाहिए, उस सेट में आना चाहिए मतलब क्या, उस पैटर्न में दिखना चाहिए, वो पैटर्न कैसा था, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, इस पैटर्न में दिखना चाहिए, ठीक है। तभी बस ये दिखाना है, तो कंसिडर आर डैश ऑफ एक्स, क्या था हमारा आर डैश ऑफ एक्स, हमने कंज्यूम किया था आर ऑफ एक्स माइनस सी टी अपॉन बी एम एक्स टू द पावर टी माइनस एम जी ऑफ एक्स, ये था अज्यूम किया था। अब आर ऑफ एक्स हमें पता है क्या है, हमें पता है ना एफ आर ऑफ एक्स हमने निकाला था, आर ऑफ हमें पता था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, यहाँ से आर ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दीजिए आर डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स आ जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स
माइनस सी टी बी एम एक्स टू डी पावर टी माइनस एम जी ऑफ एक्स, इसमें से जी ऑफ एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, क्यू ऑफ एक्स माइनस सी टी अपॉन बी एम एक्स टू डी पावर टी माइनस एम इंटू जी ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इस पूरे टर्म को मैं बोल रहा हूँ क्यू डैश ऑफ एक्स। देखिए मिल गया ना उस पैटर्न में, एफ ऑफ एक्स माइनस माइनस जी डैश जी ऑफ एक्स, कोई तो भी पॉलिनोमियल आ गया, कोई पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस पैटर्न में दिख गया तो हम बोल सकते हैं आर डैश ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस। आर डैश ऑफ एक्स है पॉलिनोमियल जो आता है एस के अंदर और इसकी डिग्री है छोटी एज डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं सबसे छोटी डिग्री तो आर ऑफ एक्स की है, हमें दूसरा पॉलिनोमियल मिला जिसकी डिग्री उससे भी छोटी है, इसका मतलब हमने कुछ गलत अज्यूम किया है, तो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, हमने कॉन्ट्राडिक्शन हमारा मिल जाएगा। तो उसके कारण हम बोल सकते हैं जो आर ऑफ एक्स की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ जी दैट इज़ एम। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम कंप्लीट होता है, बट यहाँ पे हमें यूनिकनेस दिखना है, क्वेश्चन थ्योरम में था यूनिकनेस ऑफ क्यू एन आर, तो यूनिकनेस हमें दिखना पड़ेगा क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स का यूनिकनेस, तभी हम